अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एलिवेशन के बारे में। जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पे वर्क हो रहा है, यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल बताता हूं इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो ईंट का जो डिज़ाइन लिया गया है, ओके, यहाँ पे जो ईंट है उसको हाफ़ किया गया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ईंट है उसको हाफ़ किया गया है, मतलब मशीन से उसको आधा कट करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि वर्कर्स भी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्कर्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे किस तरह से बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है यहाँ पे, ठहर की करना बोले तो यहाँ पे, और टाइम भी इसको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको एलिवेशन के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। और दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉड भी दिया गया है। ओके, सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रॉड दिया गया है, ओके, यहाँ पे जो ड्रिल करके यहाँ पे मैं बताता हूँ, बने रही इस वीडियो पे, यहाँ पे जो रॉड दिया गया है ड्रिल करके यहाँ पे, इसलिए वो रॉड दिया गया है कि नीचे भी आप रॉड देख सकते हैं सपोर्टिंग के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ईंट का जो वेट आएगा सपोर्टिंग, वहाँ पर ईंट टिकना बोल के यहाँ पर ये रॉड दिया गया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रॉड है यहाँ पर, ओके, ये वाला रॉड देख सकते हैं आप, सपोर्टिंग के लिए दिया गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भी यहाँ पे रॉड देख सकते हैं आप, यहाँ पे रॉड है, मैं फिंगर से बता रहा हूँ। इसी तरह से आप देख सकते हैं और ऊपर भी यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रिल करके इतना रॉड, जितना हमारा ईंट का डिज़ाइन आएगा यहाँ पर उतना यहाँ पर रॉड दिया गया है, देख सकते हैं आप। बने रहिए इस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जैसा कि हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, यहाँ पे किस तरह से ईंट को हाफ करके दे रहे हैं देख सकते हैं इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे सीमेंट और जो सीमेंट का जो पेस्ट है यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे और एक एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो बाग साइड में यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे चिप वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से, और यहाँ पे भी ये चिप वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहे हैं, और ऊपर भी देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है ऊपर भी, और यहाँ पर भी जो ईंट है यहाँ पर भी फर्स्ट रॉड के सपोर्ट लिया गया है नीचे, यहाँ पर रॉड का सपोर्ट लेकर यहाँ पर ईंट को पेस्ट किया गया है। ये जो यहाँ पे जो दिया गया है, आपके जहन में ये सवाल घूम रहा होगा, ये क्या वेस्ट ईंट है क्या, अच्छे ईंट को तोड़ के ये डिज़ाइन बना गया है? तो एक्चुअली में हुआ ये है कि यहाँ पे जो हमारा ईंट जो एक में से दो टुकड़ा होता है, ईंट जो एक में से दो टुकड़ा होता है, उसे हमने यूज़ किया है यहाँ पर एक ही साइज़ का, मतलब एक ही साइज़ का जो वेस्ट ईंट होता है टूट जाता है, एक में से दो तीन हो जाता है, उसे हमने एक ही उसको थोड़ा हैमर से और क्या छन्नी से इसको सही करके थिकनेस एक ही थिकनेस रख के यहाँ पे पेस्टिंग किया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ही के पेस्टिंग किया है। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा दूर से वीडियो बताता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ यू वॉन्ट स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है।
ओके। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे जो है ब्रिक वर्क, यहाँ पे हाफ ब्रिक वर्क, यहाँ पे जैसा कि हम कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं, देखते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं, यहाँ पे ईंट रखे हुए नीचे, यहाँ पे पानी में भिगा के दे रहे हैं, और उसके बाद वहाँ से लेके पेस्टिंग हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं आप किस तरह से उसको वह लेके पेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे पेस्टिंग हो रहा है। बने रही इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ऊपर आया हूँ, ओके, यहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे का भी डिज़ाइन है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे किस तरह से यहाँ पे पेस्टिंग किया गया है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट अब हमारे लेके यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं किस तरह से करेंगे देख सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सीमेंट का पेस्ट वहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद ये ब्रिक वहाँ पे फिक्सिंग करेंगे। ओके, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। देख सकते हैं आप किस तरह से सीमेंट का पेस्ट लगाया गया है यहाँ पे। उसके बाद उसको हैमर से उसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, थिकनेस सभी थिकनेस जो रहेगा ईंट लेवल में आना चाहिए, पूरा बराबर आना चाहिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो गैप्स है उसको गैप्स को फिलअप कर देंगे, इस तरह से यहाँ पे वर्क होता है। ओके, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। ओके दोस्तों, आज की अगर वीडियो समझ में आई है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अवर चैनल नेम इज़ सिविल कंस्ट्रक्शन वन, एंड प्लीज़ सपोर्ट फॉर दी 10K सब्सक्राइबर, एंड आल्सो सपोर्ट अवर यूट्यूब चैनल, आल्सो सपोर्ट दी फ्रेशर सिविल इंजीनियर, एंड यू शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेशर सिविल इंजीनियर एंड ब्यूटीफुल पीपल्स एंड ब्यूटीफुल व्यूअर्स। प्लीज़ सेंड टू ऑल the viewers. So I kindly request to please support our YouTube channel. If you having any doubt, any problem related to this video and all video, you can comment the in comment section box, and also you suggest the for new videos. Take care yourself, see you in new video. Allah Hafiz dosto, bye bye.